हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं कर्नाटका। कर्नाटका में हमारा आज का जो ट्रिप है, वी आर गोइंग टू हम्पी, बट हमारा रूट जो होगा वो वाया डांडेली होगा। तो हम डांडेली में एक दिन स्टे करेंगे और डांडेली को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है और मैंने जितना देखा है तो मुझे पता चला कि डांडेली इज़ लाइक इतना ओवररेटेड जगह नहीं है, बट काफ़ी कुछ है वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा है। एक्चुअली डांडेली इज़ अ फॉरेस्ट रिजर्व, तो थोड़ा नेचुरल ब्यूटी, थोड़ा सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा आई गेस। तो हम निकलते हैं अभी। सकते हो क्या क्या नेसेसरी सामान है जो आपको कैरी करना चाहिए, और बाइक का जो क्या टूरिंग मॉडिफिकेशन मैंने किया है उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। तो इस राइड पे हमको मुझे ज्वाइन कर रहे एक्चुअली तो मेरा फ्रेंड है रोहित। तो रोहित के साथ मैं ये राइड कर रहा हूँ और आपको रोहित के बारे में पता चल जाएगा अभी थोड़ा ही देर में किस टाइप का बंदा है वो। तो हमारा अप एंड डाउन विल बी अराउंड 1600 टू 1700 किलोमीटर्स। लोग जो रूट फॉलो करेंगे वो हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 48 से जाएंगे वाया सतारा। सतारा से हम निकलेंगे टू कोल्हापुर। कोल्हापुर से होके हम बेलगम होके डांडेली पहुंचेंगे। सो डांडेली पहुंचते तो हमको रात हो जाएगा, अराउंड 7-8-9 तो बज जाना चाहिए। तो देखते हैं, हम स्टॉप ले लेके जाएंगे धीरे धीरे। गाइज, दिस पैच वॉज इन बेलगावी रोड, सो दिस वॉज लाइक अ वेरी वेरी बैड ट्रैक एंड आई विल रिकमेंड यू नॉट टू कम, लाइक नेवर ट्रैवल इन दिस रोड एट नाइट बिकॉज दिस इज फुल ऑफ स्लज एंड दिस इज लाइक एंड माई गोप्रो वॉज ऑल्सो डिस्चार्ज एट दिस टाइम, सो आई कुड नॉट टेक द वीडियो ऑफ इट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू कम इन दिस रोड एट नाइट बिकॉज लाइक दिस विल बी वेरी रिस्की एज दिस इज इन द कर्नाटका टाइगर रिजर्व एरिया। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक टूर रिजॉर्ट का अपना। तो ये अपना जो डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे हमने गाड़ी वाड़ी पार्किंग किया हुआ है और आगे अपने टेंट्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ कंक्रीट हाउसेस भी है, मतलब रूम्स बने हुए हैं। सो द रेंट फॉर द टेंट इज 300 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट। सो द टेंट्स आर गुड, स्पेसियस है और टेम्परेचर भी यहाँ पे सही था। तो हम लोग जब आए
guys, this map is given by the hotel manager. Like, the tourist attractions are there, these are all mentioned here in this pic. Like, you can check, like, the super dam, it is like 19 kilometers from the resort. The whatever kilometers I have mentioned is from the resort itself. गाइस व्यूज देखिए भाई, क्या व्यू है। मतलब ऐसा लग रहा है जंगल के बीच में हम लोग घूम रहे हैं, तो क्या मज़ेदार व्यू है। मतलब लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये दिस इज़ लाइक अ फॉरेस्ट रिजर्व, तो यहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स मतलब आपको रास्ते पे रोड क्रॉसिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो इसके बारे में मेरे को हमारे टेंट पे भी बोला गया था कि जो टेंट का ओनर है, मैनेजर है, उसने बोला था कि यहाँ पे रोड क्रॉसिंग मतलब टाइगर्स और बियर हो, बेर हो, वो सब रोड क्रॉसिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो इस पर स्टॉप हो जाना है, लेकिन ख़तरनाक वाला एडवेंचर है और तो मज़ा आने वाला है। टिकट एक इधर आए हो आप? सिंथली रॉक्स। इसका स्टोरी जानते हैं? एक सिंथली नाम की बंदी थी, समझा? बहुत अच्छा डांस करती थी, इधर ही रहती थी गाँव में। तो उसका डांस ना उसके घर में सबको पसंद नहीं था, उसके पापा मम्मी को। तो लोग उसको नहीं नाचने देते थे, तो क्या कि अपना दूसरे नाम से इधर उधर जहाँ भी ये सब होता था ना फंक्शन, तो दूसरे नाम से वो प्रैक्टिस करती थी, जाके नाचती थी। एक बार उसका बाप को पता चल गया, तो बोला कि उसको पकड़ने जाएंगे। तो एक जगह उसका डांस का परफॉर्मेंस था, तो उसका बाप गया देखने। तो वो बंदी इतना अच्छा नाची ना, पूरा भीड़ था, बहुत देखने वाले लोग बहुत थे, इतना अच्छा नाची कि उसका बाप बेचारा पिघल गया और वो पूरा जोर से चिल्ला के बोला, सिंथली रॉक्स। सबसे इसका नाम हो गया सिंथली रॉक्स, क्योंकि उसने रॉकिंग परफॉर्मेंस दिया था। क्या ये स्टोरी ऐसे टाइप की स्टोरी आपको ही क्यों पता है? अरे मेरे से मिली थी, बंदी मिली थी। चलो अच्छा है, ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। अरे वो देख भी पानी। मेरे को भी लग रहा है। चलो बाय बाय। मेरे को लग रहा है ना कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं और वो ऊपर अचानक से एक तेंदुआ आ जाएगा। सर बाइक स्टार्ट नहीं होगा उस टाइम।
क्या जा रहा है रोहित? मधुमक्खी देखने घनी पार्क घनी पार्क इसको लंबा कर लेना आगे लगे ना इसका इसमें कहाँ है घनी पार्क इसका स्टोरी बताइए क्या बता क्या नहीं आप पहले रुक जा पहले बता बहुत बहुत साल पहले यहाँ पूरा जंगल था समझा मतलब यहाँ हाँ मतलब अभी जंगल नहीं है ये ना अभी तो ये सब कम हो गया है ना मतलब ये सब कम हो गया ओके तो क्या हुआ ना कि एक फैमिली आया यहाँ पे घूमने तो लोग रात को फंस गया उन लोगों का गाड़ी खराब हो गया ठीक है तो फैमिली वाला बोला कि उस फैमिली में माँ बाप था और उसका बेटा और बहू था तो फैमिली वाला बोला क्या करे तो यहाँ पे ना इधर पहले एक हट हुआ करता था ओके तो वहाँ पे एक बोला कि यहाँ रात को रुक जाते हैं तो गाड़ी लेकिन उसकी बीवी चला रही थी जो बहू थी तो वो बोला कि ठीक है क्या करें तो गाड़ी छोड़ना पड़ेगा तो क्या हुआ उसका हस्बैंड बोला हनी पार्क तो हनी पार्क तू तो अपना वो जो है ना क्या नाम था उसका अरे वो जो स्टोरी बताता है ना अपना सावन अवन में आता है ना अच्छा वो नीलेश मिश्रा नीलेश मिश्रा से भी खतरनाक बताते हैं उसका वो सुनते रहते हैं अपना हनी पार्क है पार्क लोग यहाँ पे हनी वनी खा रहे हैं इधर पार्क कर सकते हो लोग बहुत कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं फिक्स्ड रेट फार्मिंग करते हैं ना इस तरह के बॉक्स में करते हैं इसमें दो पार्ट होता है पहले तो एक सुपर होता है और एक फैमिली होता है तो इसे सुपर बुलाते हैं और इसे फैमिली बुलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है इनके फैमिली के अंदर 95% फीमेल्स होता है 5% मेल्स होते हैं और एक ही एक क्वीन भी होती है तो वो क्वीन भी क्या करती है सिर्फ फैमिली काउंटर में उतना ही एग को लीज करती है वो भी एक दिन को 1500 से 2000 तक एग को डालती है तो जितने भी सोल्जर्स वर्कर्स मरते हैं ना उतना वो कंट्रोल करती है वो भी यहाँ पे तो आगे एक गैप दिख रहा है ना यहाँ पे तो यहीं से हनी भी जाते हैं और जाते हैं तो एक ही एक एंट्रेंस है उनके लिए और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर होल्स होते हैं तो सुपर का जो भी फ्रेम होता है ना इस तरह का आर्ट फ्रेम सुपर के अंदर होता है और फैमिली का फ्रेम इस तरह होता है तो आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा फैमिली का है और कौन सा सुपर का है बोल के और जो भी क्वीन भी होती है ना वो क्या करती है फर्स्ट स्टेज में इस तरह का एग डालती है तो इसे पिन हेडेड साइज एग बोल के बुलाता है इस तरह का होता है और एक मतलब 6 दिन के बाद लार्वा की ग्रोथ में कन्वर्ट होता है तो ये वाला लार्वा का एग है 6 दिन का और 18 डेज में क्या होता है प्यूपा की ग्रोथ में कन्वर्ट होता है प्यूपा यानी इस तरह का विंग्स नहीं होता आइज नहीं होता नीचे जो भी ग्रोथ होता है ना इस ग्रोथ में कन्वर्ट होता है वही लार्वा प्यूपा है ना जो 2+ महीने में और एक 21 डेज के अंदर पूरा एक अडल्ट हनी भी बन जाता है तो सेम मतलब बटरफ्लाइज में जैसे लाइफ साइकिल होता है ना सेम यहाँ पर हनी बीज के अंदर भी होता है तो इस तरह का एक मतलब स्मोकिंग मशीन को यूज़ करता है क्लीनिंग मेंटेनेंस करते वक्त तो इसमें क्या करते हैं सूखे पत्ते डालते हैं थोड़ा सा आग बनाकर लेकर जाते हैं जब भी हनी बीज अटैक करने के लिए आते हैं ना तो इस तरह पुश करते हैं तो इस तरह पुश करने से क्या हो जाता है स्मोक बाहर आ जाता है और उनके आँखों के सामने पर्दा जैसा हो जाता है कुछ भी नहीं दिखता उन्हें तो वो लोग फिर से बॉक्स में आकर शिफ्ट हो जाते हैं नहीं तो अटैक करने का चांसेस होता है तो इस तरह का कैप यूज़ करते हैं इस तरह फेस के ऊपर डालने से क्या होता है अगर बाई चांस हनी बी ने बाइट किया ना उसका जो भी स्टिंग होता है इस नेट के ऊपर ही रह जाता है तो डायरेक्टली मतलब फेस को नहीं लग जाता तो इस तरह का हैंड ग्लोव यूज़ करते हैं अभी तो मतलब कुछ यूज़ नहीं करते ऐसे ही सब कुछ क्लीनिंग मेंटेनेंस करते हैं लेकिन जो भी स्टार्टिंग ट्रेनिंग लेता है ना तभी सब कुछ ज़रूरी होता है उसके बाद लाइक प्रोफेशनल हो जाने के बाद यू डोंट नीड दिस
सिंस यहाँ पे हम लोग महान वाटर एक्टिविटी पे आए हैं अभी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स है, प्राइस नॉर्मल है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, बट यहाँ पे जो ओनर है महान एक्टिविटी का, अमीर भाई है, तो उनको आप बोल सकते हो आपको क्या क्या चाहिए, आपको उस हिसाब से वो पैकेज बना के देंगे। तो हम लोगों ने कायाकिंग किया, रिवर राफ्टिंग किया, आपको फोटोज एंड वीडियोज़ दिख जाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आया। कल हम निकलने वाले हैं फ्रॉम डांडेली टू हम्पी वाया हुबली, तो हम हुबली होके निकलेंगे, तो हुबली में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, और हम्पी में तो काफ़ी कुछ है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हम्पी में घूमने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिख जाएगा लाइक हम्पी में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, do like, share and subscribe to my channel,